हाय गाइस, सो इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ रात के लगभग 12 बजे, बिकॉज़ ये मेरे एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर इस वीडियो को आप अर्जेंट बनाओ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे केस में मैं क्या करूँ। आप सही थंबनेल पढ़े हो कि क्रिटिसिज्म को फेस कैसे करें, और क्रिटिसिज्म आपको फेस करना ही पड़ेगा। लाइफ में आप कुछ अलग करने जाओगे तो क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कैसे फेस करें उसको, पॉजिटिव में, पॉजिटिविटी में कैसे लें, पॉजिटिव तरीके से कैसे लें। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, तब मेरे पास 300 सब्सक्राइबर्स था। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, सर क्या पढ़ा रहा है, तुझे कुछ आता भी है, क्या करता है तू। उस टाइम मैं कॉलेज का टीपीओ था, राइट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो अब इससे आपको क्या सीख मिलता है कि क्रिटिसिज्म कोई और कर रहा है, कौन है वो, उसे कुछ पता भी आपके बारे में, या फिर ऐसे हवा में बात कर रहा है। बिकॉज आजकल ये चीज़ और कॉमन हो गया है, आप अगर यूट्यूब पर जाते हो, फेसबुक पर जाते हो, व्हाट्सएप पर देखते हो, कोई भी कुछ ही बोल देता है आजकल। हालांकि ये लीगल नहीं है, वो इलीगल, कभी भी लीगल केस में कहीं फंस सकते हैं, अगर जिसको बोल रही हो वो अगर खतरनाक हुआ तो, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आप देखो पहले क्रिटिसिज्म किससे आपको फेस करना पड़ रहा है, क्या वो रियल है या इमेजिनरी है। जैसे ये केस आपको बताया मैंने, वो क्या था, इमेजिनरी था, उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा था उस टाइम, इसीलिए वो ऐसे उपड़ांग बात बोल रहा था, राइट। तो आप ऐसे बंदे को आप सीरियसली मत लो, अपने लाइफ से डिलीट मारो। मैं एक बंदे को अटेंड करने गया था कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली बैंगलोर, वो यहाँ का नहीं था, बाहर का था, यूएसए का था आई थिंक था, और वहाँ पर बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस थे, 2000 बने थे, और उसमें काफ़ी महंगा कॉन्फ्रेंस था वो। उसने साफ साफ, मैंने उससे बात करा कि सर आपको अगर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े तो क्या करते हो आप, बिकॉज यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, आई नो दैट बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री। इफ यू टेल सम एनी अदर पर्सन, नॉर्मल गाय हु इज डूइंग एनी सिंपल जॉब, वट विल हैपन, दैट गाय डेफिनेटली क्रिटिसाइज यू, दैट गाय डेफिनेटली टेल यू दिस इज फ्रॉड, दिस इज नॉट वर्किंग, यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ मी, राइट। आप ऐसे बोलेगा, तो वो बोलता था कि ऐसे बंदे को मैं अपने लाइफ से डिलीट मारता हूँ, अगर सोशल मीडिया पर ब्लॉक करता हूँ, अगर आपका मेरे आसपास पड़ोस है उससे बात ही नहीं करता हूँ मैं, या फिर जो बोलते हैं हंस के टफा दफा करता हूँ। तो आपको देखना है पहले क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं आप, क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं आपको क्रिटिसाइज, वो कितना आपके बारे में जानता है, पहला, ये पहला हुआ। दूसरी बात करते हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म सही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हो, बिकॉज मेरे चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर के हैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई अप्रिसिएट दैट। हो सकता है आपके रिश्तेदार बोलेंगे आपकी तरफ, अब तक आपका जॉब लगा नहीं, क्या गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, प्राइवेट जॉब ले लो। ये वही रिश्तेदार होते हैं जो बाद में गवर्नमेंट जॉब लगने का बोलते हैं, इसके लिए दूल्हा ढूंढो या दुल्हन ढूंढो, ये वही होते हैं, और ये वही बोलते हैं फिर हमें पता था ये बंदा कुछ करेगा या ये बंदी कुछ करेगी। तो इनके बातों पर आप सीरियसली मत लो, वो क्रिटिसाइज तभी आप करते हैं आपके करंट सिचुएशन को देख के। इस टाइम अगर आप टूट गए तो आप उनकी नजर में और गिर जाओगे, अगर आप स्ट्रांगली खड़े रहे आप क्या होंगे, अपने आप में इतना ऊपर चले जाओगे, इतना जबरदस्त आप काम कर पाएंगे कि उनकी नजर में आप गिरेंगे नहीं और ऊपर चढ़ जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं भाई गलती हम कर रहे थे, आपको बोलेंगे नहीं, मन मन सोचेंगे गलती था हमारा, भाई ये बंदा कुछ कर गया, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस चीज़ को और इन डेप्थ समझते हैं, मैं कैसे यूज़ करता हूँ क्रिटिसिज्म को, ध्यान सुनना, ये शायद कोई आपको बताएगा नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर, बींग ट्रांसपेरेंट इज माई फर्स्ट पॉलिसी। मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ इतना फ्रिक्वेंट क्यों आते हैं आपको पता है, राज बताऊँ आपको क्या राज है मेरा, और इसमें एक बार हुआ था मैं वीडियो बनाया भी नहीं था, क्यों राज था वो था, मतलब वीडियो काफ़ी लेट हुआ था, राज बताऊँगा आपको। उस टाइम आरआरबी का एग्जाम चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करे कि सर आप जनरल साइंस पढ़ा दो, मैंने पढ़ाया, तो एक लेसन था जिसमें 250 लाइक आ गए थे, एक भी डिसलाइक नहीं था, रात तक, सुबह से रात तक देखा कोई डिसलाइक नहीं है, लाइक लाइक ही बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्त को बोला भाई तो गड़बड़ हो गया, वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्या आपको बता रहा हूँ, मेरा टारगेट उस दिन से है जब से उस बच्चा बोला था कि सर आपको उतरे उतरे कुछ नहीं आता तू क्या करता है, 300 सब्सक्राइबर था, कि अगर एक भी डिसलाइक मेरे वीडियो पर आएगा उस दिन मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का टाइटल क्या होगा। और उस दिन क्या हुआ, एक भी डिसलाइक नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह उठ के देखा एक डिसलाइक आ गया, मैं बहुत खुश हुआ, मैं चलो भाई अब तो टाइटल टाइटल मेरे को पता था पहले से, डिसाइड करूंगा बनाऊंगा वीडियो। तो मेरा क्रिटिसिज्म अगर यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा मेरा, दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली दिस थिंग, एक अगर डिसलाइक आया मेरे वीडियो पर मैं उसी टाइम डिसाइड करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइटल क्या होगा, और उससे मैं बेहतर देने का कोशिश करूंगा,
सिमिलरली अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बंदा अगर कोई आसपास आपका कोई तमाशा करे या फिर आपका क्रिटिसिज्म करे, आपका हम मजाक उड़ाए, तो क्या करें आप, उसको पॉजिटिव तरीके लें कि एक दिन ऐसा आएगा या फिर सोचो कि अगले 10 दिन मैं जबरदस्त पढ़ाई करूंगा, जी जान लगे पढ़ाई करूंगा, फिर क्रिटिसाइज करा मैं 10 दिन और पढ़ूंगा और 10 दिन में डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बोलेगा ही, आप तो कुछ कर ले, नौकरी कर ले, ये होगा। तो क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है उसको आप पॉजिटिव तरीके से लो, नेगेटिव तरीके से नहीं। जैसे वीडियो को डिसलाइक मारेगा, मुझे पता है मैं और एक वीडियो तैयारी करूंगा, डिसलाइक करो मैं वीडियो तैयारी करूंगा, और मेरा इससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है, आप लोगों को फायदा मिल रहा है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग कंटेंट, ये मेरा नॉलेज आपको मैं नॉलेज शेयरिंग है, राइट, इट्स नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे क्या फायदा मिल रहा है, मेरा पॉपुलैरिटी, इस चैनल का ग्रोथ और हो रहा है, सिंपल। तो क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं, जो डिसलाइक मरते हैं, डिसएग्री करते हैं, राइट, या फिर एक तरह का बोल सकते हो अपोज करते हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा कुछ जा रहा है क्या, मेरे को तो ग्रो कर रहा है क्योंकि मैं पॉजिटिव तरीके से इसको यूज कर रहा हूं। ये लाइव एग्जांपल है, इनको आप यूज कर सकते हैं, मैं जो बताया आपको। बिजनेसेस में क्या होते हैं, फेल होते हैं, आप कुछ भी करो भाई साहब, पहला बिजनेस अगर आपको सक्सेस मिला तो बिजनेस इतना बड़ा नहीं होगा, लोग बोलते हैं। इवन जितने बड़े बिजनेसेस हुए हैं एक दिन में इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल हुए हैं पहले। कोई बिजनेस करा फेल हुआ, फिर करा फेल हुआ, तो उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, इतना एक्सपीरियंस मिलता है, फिर नेक्स्ट बिजनेस में इतना बड़ा होता है वो सोच भी नहीं पाते, राइट। हालांकि अब तो बिजनेस का मॉडल कुछ और हो गया है, जो मैं पब्लिकली अभी मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स आई विल शेयर व्हेन एवर आई गो फॉर एनी बिजनेस स्पीकिंग यू नो सेमिनार, जहाँ पर मैं जाता हूँ इन जनरल। सो वहाँ पर मैं चीज़ें बोलता हूँ, यहाँ पर बता नहीं सकता बिकॉज पब्लिक फॉर्म, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शेयर ऑल दोज सीक्रेट्स राइट नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो मेरे वो पर्सनल एनालिसिस होता है, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अपने लोगों के साथ जो बुलाते हैं मुझे एज ए स्पीकर, राइट। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो ऐसे चीज़ों को आप चीज़ों को लें, और हमेशा क्या करो आप, नेगेटिव दोनों चीज, कोई चीज़ का ना दो साइड होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, हमेशा क्या करो पॉजिटिव लेके चलो। नेगेटिव लेकर चलाओ क्या करोगे आप, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, अपने आप खत्म कर लेंगे आप। पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा, अपने आप को ग्रो करेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका है मुझे लगता है अपने आप को ग्रो करने का, ओके, बुक्स, किताबें पढ़ा करें, बुक्स में रियल नॉलेज मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे बोलेंगे बुक्स में गलतियां बहुत हैं, अरे भाई आप अगर बुक लिखो पता लग जाएगा बुक्स में गलतियां क्यों होती है। यू विल राइट बुक माय डियर, यू विल कम टू नो व्हाई बुक्स हैविंग लिटिल एरर मिस्टेक्स और व्हाट अबाउट यू आर सेइंग माय डियर, क्यों होते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एरर फ्री, ह्यूमन बींग्स मतलब एरर होंगे, कुछ नहीं कर सकते। इवन जब बोल रहा हूँ मैं, इसमें अगर कोई हिंदी वाला टीचर आ जाएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालेगा, थोड़ा बहुत निकाल देगा, मुझे पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है बोलना बंद कर दूंगा, नहीं बंद करूंगा भाई, निकालो, क्या कर सकता हूँ मैं, मिस्टेक तो होगा, क्या कर सकते हैं, राइट। तो आप अपना एटीट्यूड को इतना शानदार रखो कि अगला जो क्रिटिसाइज करता है वो क्रिटिसाइज कर करके थक जाएगा, और आप इतना बड़े सक्सेसफुल बन जाएंगे, वो फिर वही बंदा आपके लिए ताली बजाएगा, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हैं, और ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है ऐसा। मेरा दोस्त क्या था, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, उसको बहुत इंटरेस्ट था छोटे से ही। तो उसने क्या करा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करा बीटेक के बाद, हुआ नहीं पहले साल, दूसरा साल हुआ नहीं हुआ, तीसरा साल नहीं हुआ, चौथा साल उसका हो गया, अच्छा उसका आई थिंक पीएससी में कि सेल में या किसी में हुआ है उसका, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ उसका, उसने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, सेल में जॉब कर रहा है आई थिंक सो, राइट। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो होता है, बट मेहनत करना पड़ता है। फिर एक सीए का एग्जांपल, मेरा फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, तो उसका वो बेसिकली दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे थे, यूपी से थे, तो उनकी आड़ पास पड़ो बोलने लगे, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, आस पड़ोस और चिल्लाने लगे, अरे नहीं होता छोड़ के मिलता है, सीए सबकी बस की बात नहीं होती है। तीसरे बार इतना अच्छा पढ़ाई करा उसने, लगातार सारे पेपर निकाल लिया, सीए बन गया, अब अच्छे कंपनी में वो आई थिंक कोई पीएसयू में क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जो ऑयल सेक्टर होता है उस सेक्टर में काम करते हैं पीएसयू में, और उसका प्राइसिंग के बारे में वो क्या करते हैं, बेसिकली रेगुलेट करते हैं प्राइसिंग को नॉर्थ इंडिया के, जितना लास्ट मेरे पास अपडेट था उनके बारे में, राइट। तो चीज़ें देखो, चीज़ें होते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप खुद अपने अपने यूनिक हैं, अपने आप को समझो, आगे बढ़ो, काम करो, और आप कुछ भी काम करो लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, करते रहना है आपको। लुक एट एनी पॉलिटिशियन माय डियर, कोई पॉलिटिशियन की बात को, जो भी आपके फेवरेट हैं या नहीं भी हैं, चाहे इंडिया के आउटसाइड का है, अगर उसका मैं देखोगे आप कोई ना कोई नेगेटिव बातें कर ही रहा है, इसका मतलब तो ना वो नेगेटिव काम करना बंद कर देते हैं। कोई कंपनी देखो, कोई बड़ी कंपनी देखो, इवन कोई बड़ी कंपनी देखो यार, किसी कंपनी का नाम ले लो आप, सारे क्या सारे बंदे उस कंपनी के बारे में सही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या कंपनी वाले बंद करना काम करना बंद कर देंगे, नहीं, वो काम करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि फीडबैक जेन्युइन है या फिर ऐसा ही है।
अगर जेन्युइन है तो उस पर काम करते हैं, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम भी करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं बहुत सारे कि सर इस क्वेश्चन में, हमारे जैसे toptestcom है उसमें हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट आते हैं सर ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कभी भी गड़बड़ी निकलता है, लेकिन बहुत टाइम हम देखते हैं कि ऐसे ही ऐसे ही लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हम चेक करते हैं लेकिन हर को, अगर गलत लगा तो हम सही करते हैं, गलत नहीं लगा तो बोलते हैं कि भाई मच बोलते हैं, इट इज़ करेक्ट बोल देते हैं। तो ऐसे काम चीज़ें होते हैं, तो आप क्या करें, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लें। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेगा, नेगेटिव लोगे तो चीज़ें आपके और नेगेटिव होता जाएगा। तो गाइज आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, राइट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और आपके जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है मुझे जरूर बताओ, मैं उस चीज़ के बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा सा, ताकि आपको क्लियर हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, अप्रिशिएट योर टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन प्रेस करो, दोस्तों का जरूर शेयर करो, बिकॉज क्रिटिसिज्म सारे कोई फेस करते हैं। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हैंडल क्रिटिसिज्म व्हेन एवर यू विल फेस क्रिटिसिज्म नेक्स्ट टाइम। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी क्रिटिसिज्म फेस होता है, यू कैन हैंडल बेटर वे, राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।